कुछ चीजें ऐसी है जो हमको नहीं मिली है, इसके वजह से हम अभी तक धरने पर बैठे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम बातचीत कर रहे हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका तोड़ निकल जाए, तो हमारी जो है लगातार बात जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई एक फ्रूटफुल आउटकम निकलेगा दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो है हमारे जो डिमांड्स हैं उसमें भी हमारा जो है थोड़ा बहुत जो है अब हम शायद थोड़ा चेंज वगैरह लाएंगे। आश्वासन एक ऐसा शब्द है नजर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है, सरो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर आश्वासन, सर संस्कृति आईएएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें, इस बार भी हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का? आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी, तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। पुलिस समझा रही है सर, पुलिस समझा रही है सर। कल यहाँ पर ना रैपिड एक्शन फोर्स को तैयार किया गया था बच्चों को डराने के लिए। उससे एक दिन पहले सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ पुलिस ऑफिसियल्स थे, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी कि आप अपने प्रोटेस्ट को साइड में कर लो। सर ये इतना छोटा मुद्दा है सर, ये 3-4 लोगों की मौत हुई है सर, ये अपने अपने घर के चिराग, जिनके घर के चिराग बुझे हैं सर, क्या इतना छोटा मुद्दा है कि हम प्रोटेस्ट यहाँ से हटा के कोने में कर लें? सर ये तो हम बहुत कम स्पेस लिए हैं, ये तो सर बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए सर, कि एक 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 जान की भी कीमत होती है सर। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ से जब तक डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कल दोपहर 3 बजे से मैं भी इंक्लूडिंग मी और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हंगर स्ट्राइक पे है विदाउट वाटर, ठीक है। बट देर हैज बीन नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, ना एमसीडी से कोई आया है, ना ही यहाँ के काउंसलर आए हैं, ना ही यहाँ के एमएलए आए हैं, ना कोचिंग सेंटर से कोई भी नेगोशिएट करने के लिए। एटलीस्ट वो हमारी डिमांड सुनने तो आ सकते हैं। आपने बोला कि एलजी ने एक मीटिंग कंडक्ट की, तो मीटिंग के मिनट्स तो हमें मिलने चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, तो हमें कैसे पता होगा कि हमारी डिमांड्स वहां पे रखी गई हैं, नहीं रखी गई हैं। हमारी यही, हर एक स्टूडेंट यहां पे जो भी बैठा है उनकी ये डिमांड है, और वो रखी गई या नहीं रखी गई वो तो तब पता चलेगा ना जब हमारे पास मीटिंग के मिनट्स आएंगे। ना यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में प्यासे बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, बट जो यहाँ पे एमसीडी के लोग हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं मौतों के बाद में। आज ORN है, मुखर्जी नगर में भी ये चीज हो चुकी है। स्टूडेंट की लाइफ की कोई कद्र है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं लोग।